सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अहमद रजा के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय विधि महाविद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अहमद रजा द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमें संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विशेष न्यायाधीश पाक्सो न्यायालय कंचन गुप्ता द्वारा पाक्सो अधिनियम से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने छात्रों को निशुल्क विधिक सहायता से अवगत कराया। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सुरेंद्र सिंह ने जमानत संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। डिप्टी चीफ आनंद पांडे ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी दी तथा असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अनीश कुमार पांडे ने संविधान एवं उसकी चुनौतियों के विषय में बताया। असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल आरती तिवारी ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। महाविद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र तिवारी ने संविधान के आदर्शों पर अपना विचार व्यक्त किया। संचालन सहायक प्राध्यापक रविंद्र तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मजूर अहमद, सहायक प्राध्यापक भोला प्रसाद साहू, अनूप सिंह, लोक नारायण मिश्रा, ममता पांडे एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।